Hello students, welcome to all of you in Maths Online classes. In this video, we will solve exercise 3.3 which is related to chapter decimals and we will discuss about division of decimals. So, we have a first question, divide. Our first question is divide 2.5 by 10. So, ऐसे questions में आपको ध्यान रखना है कि आप अगर आपको डेनोमिनेटर में 10 मिल जाए 100 मिल जाए या 1000 मिल जाए यानी 1 के साथ में 0 लगे हुए मिल जाए तो उनके डिविजन जो है वो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है. आपको क्या करना है 2.5 में 10 से डिवाइड करना है तो 2.5 अपॉन 10 लिख लेंगे. उसके बाद में ये नंबर जो है इसको आप एज इट इज लिख लें और नीचे जितने भी नंबर हैं पॉइंट को लेफ्ट साइड से उतना ही राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है. जैसे यहाँ पे देखिए 10 के अंदर 10 है तो मैंने पॉइंट को 1 डिजिट आगे शिफ्ट किया है तो क्या आ जाएगा 0.25. ओके यानी नीचे डेनोमिनेटर में 1 के साथ में जितने भी 0 हैं पॉइंट को आपको लेफ्ट से उतना ही राइट साइड में शिफ्ट करना है. एक और क्वेश्चन देखते हैं 5.56 बाई 100. तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वही लिखेंगे 5.56 अपॉन 100. अब देखिए यहाँ पे 100 में जो है ना 1 के साथ में 00 है तो 100 में 2 0 है अपने पास. तो अपने को क्या करना है कि पॉइंट को इस पोजिशन से राइट की तरफ 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे. तो ये नंबर मैंने एज इट इज लिख लिया 5.56. अब पॉइंट को 2 डिजिट इधर शिफ्ट करना है तो मेरे पास तो एक ही डिजिट है तो 10 अपने तरफ से मैं लगाऊंगा. ओके तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.0556. एक और क्वेश्चन है 233.7. इसको 100 से डिवाइड करना है तो 233.7 अपॉन 100. अब वापस वही काम, नीचे डेनोमिनेटर में 2 0 है तो मैं पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ 2 डिजिट जो है वो शिफ्ट कर दूंगा तो कितने शिफ्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2.337. ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. समझ में आ गया. यानी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 10 के साथ 100 के साथ 1000 के साथ तो जितने 0 होंगे उतना ही तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है पॉइंट, और अगर आप डिवाइड करते हो तो पॉइंट जो होता है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डिवाइड 25.5 बाई 0.5. सो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा 25.5 अपॉन 0.5. अब देखिए ऐसे डिवाइड जब ऊपर नीचे दोनों डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में अगर 0 आ जाए तो क्या करना है आपको, आपको न्यूमरेटर से पॉइंट हटाना है डेनोमिनेटर से पॉइंट हटाना है. अब देखिए न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, लेफ्ट में पॉइंट के बाद में एक डिजिट है ना, तो यहां से मैं पॉइंट को गायब कर दूंगा और डेनोमिनेटर में 10 लिखूंगा 10 लगा करके. ठीक है और यहां भी पॉइंट के बाद में नीचे भी 1 डिजिट है पॉइंट के बाद में तो यहां से मैं पॉइंट को हटाया और मैंने न्यूमरेटर में 10 लिखा है. यानी जितने पॉइंट के बाद में जितने 0 डिजिट होंगे उतने ही 0 1 के साथ लगा करके मुझे अपोजिट साइड में लिखना है. अगर डेनोमिनेटर से हटा रहे हैं तो न्यूमरेटर में लिखेंगे और अगर न्यूमरेटर से हटा रहे हैं तो डेनोमिनेटर में लिखेंगे. ओके तो देखिए यहाँ 10 से 10 तो कैंसिल हो गया तो मेरा क्या बनेगा, ये यहाँ नंबर बनेंगे 255 और नीचे बनेगा 5. 5 से 255 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 51 टाइम्स में होता है तो मेरा आंसर आ गया 51 रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 27 डिवाइडेड बाई 0.03 जिसको मैं ऐसे लिखूंगा 27 अपॉन 0.03. अब देखिए न्यूमरेटर में तो पॉइंट है नहीं, सिर्फ कहाँ है डेनोमिनेटर में है तो डेनोमिनेटर से मैं क्या करूंगा पॉइंट को हटाऊंगा. तो देखिए डेनोमिनेटर से पॉइंट हटाने के लिए पहले अपन देखते हैं कि डेनोमिनेटर में कितने डिजिट है पॉइंट के बाद में. तो देखिए डेनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में 1 और 2 डिजिट है तो यहां से मैं क्या करूंगा कि पॉइंट हटाऊंगा और डेनोमिनेटर से हटा रहा हूं इसलिए न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा. ओके नाउ 3 से डिवाइड किया मैंने 27 को तो ये मेरा बनेगा 27 इंटू 100 अपॉन 3. ओके तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 9 टाइम्स में 27 मेरा कैंसिल होता है, 9 इंटू 100 900 तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 0.5 डिवाइडेड बाय 0.05. ओके तो 0.5 को 0.05 से मुझे डिवाइड करना है तो तरीका वही है, इसको मैं क्या लिखूंगा 0.5 अपॉन 0.05. अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो यहां से मैंने पॉइंट हटाया है और डेनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक डिजिट है तो 10 और डेनोमिनेटर से पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो न्यूमरेटर में मेरा क्या आ जाएगा 100. ओके तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ नंबर बना 5 इंटू 100
अपॉन 5 × 10। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 10 से 100 जो है 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, या 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या आया 10। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिवाइड करना है 12.98 को 4 से, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखूंगा 12.98 अपॉन 4। अब वही सिस्टम वापस यहां से पॉइंट हटाऊंगा, तो पॉइंट के बाद में दो डिजिट है तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नंबर मेरा क्या बन जाएगा 1298 डिवाइडेड बाई 4 × 100। अब 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिलता है 324.5। ओके सो मेरे पास नंबर क्या आया 324.5 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए यहाँ 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, यानी 1 के साथ में 00 है, तो पॉइंट को क्या करना है राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, कितने डिजिट जितने 0 हैं उतने डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 3.245। ओके एक और क्वेश्चन देखते हैं, 11.2 को डिवाइड करना है 16 से, तो 11.2 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ से वही पॉइंट को शिफ्ट करूंगा या रिमूव करूंगा, तो मुझे यहाँ से पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, रिमूव करता हूँ तो अपॉन में जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 16 से 112 7 टाइम्स में कैंसिल आया, तो मेरा आया 7/10 जिसको मैंने डिवाइड किया, तो देखिए पॉइंट के बाद नीचे 10 है, तो एक डिजिट काउंट करके लेफ्ट से राइट साइड में पॉइंट लगा दूंगा, तो यहाँ देखिए पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ से एक डिजिट काउंट किया और इससे लेफ्ट में राइट यानी 0.7 मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 32.396, इफ वन ऑफ द डेसिमल इज 5.2 फाइंड द अदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे कर रखे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, और ये तीसरा चैप्टर है, सेम टाइप क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज हुए हैं। इस बार आपके पास डेसिमल नंबर है, तो अपन ने पढ़ रखा है कि जब भी अपन को दो का प्रोडक्ट गिवन और एक नंबर गिवन है दूसरा फाइंड आउट करना है, तो अपन एक ही तरीका अपना रहे हैं, जो भी चीज फाइंड आउट करनी है उसको अपन क्या करते हैं एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट द अदर नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्स इंटू एक नंबर अपने को दे रखा है 5.2, तो x इंटू 5.2 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट अपने गिवन कितना गिवन है 32.396, तो यहां से मुझे x फाइंड आउट करना है, तो 5.2 देखिए इधर मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट करूंगा दूसरी साइड में, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब वही काम जो अभी तक करते आए हैं पॉइंट के बाद में, न्यूमरेटर में देखिए पॉइंट रिमूव कर रहा हूं, तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो डेनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डेनोमिनेटर में पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो यहां से रिमूव करूंगा तो न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, नंबर बनता है मेरे पास क्या 32.396 अपॉन 52 × 100। अब देखिए इसको मैं 2 से और इसको 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ इसको 2 से कैंसिल किया तो मुझे क्या मिलेगा 16,198, और यहाँ 2 से कैंसिल करने पर 26, अगेन 2 से कैंसिल कर रहा हूँ तो यहाँ मिलता है मेरे को 8,999, और यहाँ 2 से कैंसिल करने पर मिला मेरे को 13। ओके सो एक्स कितना जाएगा 8,099 अपॉन 13 × 100। अब देखिए इसको 13 के टेबल से कैंसिल करता हूँ डायरेक्ट में, 13 × 13 और 13 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 623 टाइम्स में, तो x मेरा मिल गया 623/100। वापस यहाँ देखिए पॉइंट नीचे 1 के साथ में 2 जीरो है, तो मैं क्या करूंगा लेफ्ट से काउंट करूंगा 2 डिजिट और पॉइंट शिफ्ट कर पॉइंट पुट कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6.23, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके अब एक क्वेश्चन बीच में रह गया, क्वेश्चन नंबर 4, तो कन्वर्ट करना है इनको डेसिमल नंबर में, ठीक है, तो 24 को डिवाइड करना है 25 से, तो डिवीजन आपको आप पहले से पता है वैसे ही करना है, 24 डिवीजर हो गया अपना 25। अब देखिए 24 जो है वो 25 से स्मॉलर है, यानी कि डिवाइड जो है वो कम्प्लीटली नहीं जाता है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले ही 0 यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लगाने के कारण मेरा क्या होगा मेरे यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, एक पॉइंट लगाने का मतलब 0 आ गया, और ये ध्यान रखना है पूरे डिवीजन के अंदर पॉइंट एक ही बार लगेगा दो बार नहीं लगेगा, तो यहाँ पॉइंट लगाया यहाँ 0 आ गया, अब यहाँ कितना बन गया 240। अब 25 की टेबल्स अगर मैं 9 टाइम्स में पढ़ता हूँ तो मेरे पास आता है 225, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास आया 15, अगेन 15 25 से छोटा है, सो इस पॉइंट की वजह से 10 अपने आप आ जाएगा। नाउ 25 को 6 से डिवाइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिलता है 150, सो रिमाइंडर आ गया 0, तो मेरा डिवीजन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 24/25 इसके इक्वल हो जाएगा 0.96 के, और पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ क्या करूंगा
0.96 लिखूंगा इसको। ओके, एक और क्वेश्चन है, 6 divided by 125। तब यहां देखिए 6 आपका डिविडेंड बन गया, 125 आपका डिविजर बन गया। अब देखिए 125 से 6 में डिवाइड तो होगा नहीं, तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने से एक जीरो मिल गया मेरे को, ठीक है। लेकिन एक जीरो मिलने के बाद भी ये बनता है 60 और यहां बनता है 125, तो डिवाइड अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ एक जीरो लगाऊंगा, और अब यहाँ एक जीरो लगाने का मतलब मुझे यहाँ भी एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट की वजह से तो एक ही जीरो आएगा एक बार में, ठीक है। तो इसको 600 बनाने के लिए मैंने यहाँ जीरो लगाया, तो यहाँ भी एक जीरो मैं लगाऊंगा। अब 125 जो है इसकी टेबल 4 टाइम्स पढ़ने पर मेरे को मिलता है 500, सब्ट्रैक्ट किया मिला मेरे को 100। अब यहाँ डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो इस पॉइंट की वजह से एक जीरो नेक्स्ट वापस आ जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 1000। अब 125 को 8 टाइम्स मैं टेबल पढ़ता हूँ तो मेरे को 1000 मिलता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 upon 125 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.048 के। अब देखिए पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से एक जीरो लगा दूंगा। अगर कोई नंबर होगा तो वो रहेगा, अगर कोई पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं है तो अपने आप मेरे को क्या करना है, एक जीरो लगाना है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सो आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.3 जो है वो सॉल्व आउट करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।